لكي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومرشدنا ومهدينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم وقال الصحابي أي الأعمال أحب إلى الله تبارك وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدومه وإن قل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, घरों में सुनने वाली पर्दा नशीन मेरी मोहतरमा माएं और बहनें, अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे और आपको नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाई है, अल्लाह उसको कबूल फरमाए। एक सहाबी ने सवाल किया जो हदीस में जो मैंने पढ़ी है, अय्युल आमाल अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह को सबसे महबूब अमल कौन सा है, कौन सा अमल अल्लाह के यहां सबसे ज्यादा महबूब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर सहाबी सवाल करते थे, मौका ब मौका जैसा जैसा मौका होता था वैसा जवाब मिलता था। सहाबी यूज़ टू आस्क डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यहां पर सहाबी ने सवाल किया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे महबूब अमल अल्लाह की निगाह में जो पाबंदी से किया जाए चाहे थोड़ा हो, अदवम हो वही निकल, कोई भी अमल, चाहे चाश्त की नमाज हो, मैं फर्ज की बात तो नहीं करता, वो तो करना ही करना है, नफल की बात करो। एक आदमी को आदत है रोजाना सूरत यासीन शरीफ पढ़ने की, पढ़ता रहे, एक आदमी को आदत है रोजाना तहज्जुद के लिए उठने की, उठता रहे, एक आदमी को आदत है माशाल्लाह
जिक्रुल्लाह की पाबंदी की करता रहे, लेकिन पाबंदी करे। ये बहुत जरूरी है। अदवमुहु व इन कल्ला, इसीलिए अल्लाह को ज्यादा अमल पसंद नहीं, अल्लाह को अच्छा अमल पसंद है। अल्लाह से लेना कुरान करीम, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अक्सर अमला नहीं का, ज्यादा अमल नहीं, अहसन, कि अल्लाह देखना चाहता है कि तुम्हारे दिल में अल्लाह की याद कितनी है, तुम्हारे दिल में इखलास कितना है, अल्लाह का प्यार कितना है। कोई भी अमल चाहे थोड़ा हो, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए करेंगे, अल्लाह को ऐसा अमल सबसे ज्यादा महबूब है। फरमाया अल्लाह देखना चाहता है, वन टू टेस्ट ईच एंड एवरी पर्सन, अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से सबसे अच्छा अमल कौन करता है, हु कैन डू द बेस्ट एक्शन, अमल, righteous deeds, अल्लाह देखना चाहता। वरना फिर वो कोक कैन की तरह होता है, कोक को कैन को खोल दिया, द गैस इज आउट विद इन 5-10 मिनट्स, उसके बाद पीने का मजा भी नहीं आता। हमारी हालत क्या होती है, कभी तहज्जुद पढ़ते हैं तो पढ़ते रहते हैं एंड देन सडनली स्टॉप, कभी कुरान पढ़ते हैं पढ़ते फिर स्टॉप, जिक्र करते करते रहते फिर स्टॉप, फिर फजर भी गायब हो जाती है, फर्ज भी गायब हो जाती है। नहीं, कुछ भी करो, थोड़ा लिटिल बट कंटिन्यूअसली, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। खैरुल अमली मा दीमा लै वइन कल्ला, अल्लाह के यहां सबसे बेहतर अमल वो है जो जो हमेशा हो, थोड़ा हो, थोड़ा हो, लिटिल बट अल्लाह लव है। बाज मरतब आदमी क्या है, थक जाता है। बुखारी शरीफ में एक औरत थी, बहुत इबादत करती, पूरी पूरी रात, शी यूज्ड टू परफॉर्म सलात ओवर नाइट, फुल नाइट्स। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा ये कौन है, तुम्हारे पास बैठी औरत कौन है? फरमाया तुम्हें पता नहीं, शी इज वेरी फेमस इन अवर होल मदीना, बहुत नमाज पढ़ती है ना, बहुत मरतब लोग, बहुत अल्लाह वाला है, बहुत अल्लाह वाला है। कहते अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न अल-आस, उनका वाकिया बुखारी में है, सहाबी रसूल है, मुकसरीन साहब, मुकसरीन का क्या माना, ही न्यू सो मेनी अहादीस, मोर देन 1000 हदीस, दो सहाबा हु न्यू द मोर देन 1000 इज कॉल्ड मुकसरीन, कसरत वाले। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आल्सो मुकसरीन सहाबा, लेकिन उनकी हदीस इतनी ज्यादा नहीं फैली, इसलिए कि वो ताइफ चले गए, एंड आई वॉज लिविंग इन मदीना एंड पीपल यूज टू कम टू परफॉर्म हज एंड उमरा एंड दे यूज टू सिट इन माई गैदरिंग एंड लर्निंग मोर हदीस, दैट्स व्हाई माई हदीस बिकम मोर। और अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न अल-आस ही वेंट अवे ताइफ, ताइफ कौन जाएगा, लोग आएंगे या तो मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा, फरमा उनकी हदीस का हल्का इतना। और वो सूफी थे अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न अल-आस, उनके दर्स मजलिस इतनी नहीं होती थी, खुद सूफी थे, बहुत बड़े सूफी थे, सूफी साहबा में से। अमर इब्न अल-आस रजी अल्लाह तआला अनु ने उनकी शादी करा दी, शादी हो गई। आफ्टर वन और टू मंथ्स द फादर इन लॉ आस्क्ड डॉटर इन लॉ, कई वजह तबनी, मेरा बेटा ठीक है तुम्हारे साथ? मेरा बेटा मालूम होता है कभी कभी पूछना चाहिए, जुलम तो नहीं कर रहा है, दर ही लोग कब यू, मेरा बेटा ठीक है? कहा वो तो कायमुल लैल वसायमुल नहार है, क्या फरमाया, पूरी पूरी रात नमाज पढ़ता है और हर रोज रोजा रखता है। आप लोग क्या कहेंगे, बहुत अच्छा है, ये तो कहेंगे ना, बहुत अच्छा है, कायम लैल है और रोजाना तहज्जुद ईशा से फजर तक और रोजाना रोजे, अगर सनी लो भी तलाश करेंगे तो ऐसा ही हो, ऐसा सनी लो चाहिए,
इतने रात मेरे नमाजें पढ़ता है यार, ऐसा चाहिए कि बस बैठा रहे मुसल्ले पर बिल्ली की तरह। लेकिन अमर इब्न अल-आस साबित है ना, ही अंडरस्टूड कि ये मेरे बेटे की तारीफ नहीं कर रही, शी इज नॉट प्रेजिंग, शी वांटेड टू से समथिंग कि तुम्हारा बेटा तो रात पूरी मुसल्ले पर और दिन रोजे में मेरे पास तो आता ही नहीं, बीवी का हक अदा नहीं करता है। He doesn't fulfill the rights of the wife. हदीस में ना, हदीस में है, वली बदनी का अलैह का हक़ुन वली ज़ौजी का अलैह का हक़ुन, तुम्हारे बदन का भी तुम पर हक है, थोड़ा सोना है, तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है। You have to fulfill the rights of your wife. Fulfill the rights of yourself also. Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala did not say anything. Father, ab kaise batlaye bete ko ya, what are you doing man? What's wrong with you? Biwi ke paas nahi jata, shaadi kar li. Har aurat ki khwahish hoti hai. Yahan sahabi hai, Abdullah ibn Sufi sahabi. Bade sahabi hai. He learns so many hadiths from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. कोई सीएनएन नहीं सुना रहा हूं भाई, सही हदीस बुखारी की। बाप चले गए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और फरमा अल्लाह के रसूल मेरे बेटे को समझाओ, आपके साहबी है, बेटे को समझाओ, ये तो भाई बीबी का हकी अदा नहीं कर रहा है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ठीक है जाओ मैं आता हूं, I will come to your house. ऐसा नहीं कि उसको बोले इधर आ इधर आ, क्या करता है, शाउट नहीं किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले गए उनके मकान पर, ही वेंट हिमसेल्फ। मालूम होता है मेरे नबी की सुन्नत है, दावत देने के लिए आदमी मदऊ के मकान पर जाता है, दावत देने के लिए। ऐसा नहीं सब मेरे पास आए मैं दावत दूं, मदऊ के मकान पर जाकर उनको समझाया। और डायरेक्ट अटैक नहीं किया, डायरेक्ट ऐसी बात की कि उसको पता ही ना चले, दैट यू नो फादर टोल्ड मी। इतना कहा, मेरे पास शिकायत आई है, पहले तो पूछा कैसी हालत है, ठीक हो, सलाम कलाम अलेक सलेक के बाद, हाउ आर यू, हाउ इज गोइंग योर मैरिज लाइफ, क्या पूछा आपकी मैरिज लाइफ कैसी जा रही है। द क्वेश्चन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा अल्लाह के हबीब मैं तो रातों में नमाज पढ़ता हूं और दिन में रोजे रखता हूं। साहब बड़े सिंपल होते थे, हमारी तरह तकल्लुफ करने वाले नहीं थे, नहीं थोड़ा ऐसा थोड़ा नहीं नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया। फरमाया अब्दुल्ला ऐसा ना करो, क्या फरमाया कितना प्यार से समझा रहे, ऐसा ना करो ऐसा ना करो ऐसा करो, आधी रात सो जाओ, हाफ ऑफ नाइट गो एंड स्लीप, और दूसरी हाफ नाइट में उठ के ताजी पढ़ो, देखा आधी रात, और रोजा महीने में 3 दिन रखो, क्या फरमाया फास्टिंग 3 डेज अ मंथ। फरमाया एक रोजे का सवाब 10 दिन के बराबर है, 3 रोजा रखेगा 13, 14, 15 तुम्हें 1 महीने के रोजे का सवाब मिल जाएगा। अच्छी बात, वो तो रोजाना रखते थे ना, यूज टू फास्ट एवरी डे। क्या फरमाया 3 रोजे रख लो और कुरान करीम 40 दिन में पूरा करो, वो रोजाना कुरान पूरा करते थे, He used to finish 1 Quran a day. फरमाया not 1 day, 40 days. फरमाया अल्लाह के नबी मुझे उससे भी ज्यादा ताकत है, क्या फरमाया I can finish earlier than, quicker than that. फरमाया 30 days में पूरा कर लो, चलो 30 days में। फरमाया अल्लाह के हबीब मुझे उससे भी ज्यादा ताकत है जल्दी पूरा करने की, फरमाया 15 days में पूरा कर लो, चलो कंप्लीट 15 days। फरमा अल्लाह कह रहे मुझसे भी ज्यादा है, फरमा ठीक है ज्यादा से ज्यादा अब 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, 1 दिन में नहीं 3 दिन में। लेकिन
अब्दुल्लाह इब्न अमर फरमाते हैं, मैं कब, जब बूढ़े हो गए ना साहबी, बूढ़े हो गए तो कहते थे काश कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुखसत वाला अमल कर लेता तो आज बुढ़ापे में इतनी परेशानी ना होती। बूढ़े आदमी के लिए 3 दिन में कुरान पूरा करना मुश्किल होता है। लेकिन फरमाया बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, या अब्दुल्लाह लम तकुन मिथल फुलान कान कायमुल लैल फतरका सलातुल लैल व कयामुल लैल, तू उस आदमी की तरह ना बन फुला की तरह जो तहज्जुद की पाबंदी करता था देन सडनली ही स्टॉप, ऐसा नहीं बनना। हालांकि तहज्जुद फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, लेकिन याद रखो कि इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसला भी सुना देता हूं साथ में। अगर कोई आदमी नफल शुरू करता है, नफल काम, इट बिकम वाजिब ऑन हिम लज़िमन नफलु बिशुरू, उसके ऊपर वाजिब नहीं था, जरूरी नहीं था, वो नफल है, पढ़े ना पढ़े इसकी मर्जी है, लेकिन वंस ही स्टार्टेड and if he breaks, he have to read, now he have to fulfill the wajib now. अगर शुरू करे, अगर मैंने रोजा रखा आज नफल रोजा मैंने तोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है कि चलो तोड़ दिया मेरा नफल रोजा, नहीं, once you start the मसला by इमाम अबू हनीफा लज़िमन नफलु बिशुरू, शुरू करने सब वाजिब हो गया, अगर पूरा नहीं करेगा तो अल्लाह की तेरी पकड़ होगी। यहां तहज्जुद फर्ज नहीं, वाजिब भी नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी बतलाना चाहते हैं देखो उसकी तरह ना बनना। उसने शुरू किया पूरी रात फिर छोड़ दिया, फजर में भी नहीं आया, ऐसा नहीं बनना, थोड़ा करो हमेशा करो। अगर लंबा कुरान तहज्जुद में नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ो, छोटी छोटी सूरत पढ़ के खत्म करो, लेकिन पढ़ लो। और उस पर मैं तुम्हें हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनाता हूं, इसी पर इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कॉल पर फरमाया, अगर कोई आदमी नफल काम शुरू करता है तो वह उस पर वाजिब हो जाता है शरीय, यानी इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कॉल के एतबार से। इसी तरह अगर कोई नवाफिल रोजाना करने का इरादा किया, ही मेड इंटेंशन आई एम गोइंग टू रीड नवाफिल एवरी डे, चास्त हो या इशराक हो या ताज, इंटेंशन उसने कर लिया तो शरी एतबार से नहीं अमली एतबार से उस पर वाजिब हो जाता है। अगर थानवी फरमाते, बहुत सारे लोग वो जो 12 जिक्र देते हैं ना तो वो क्या कहते हैं, अरे यार पूरा नहीं होता 12 तस्बीह, कोशिश तो करना है, अगर ना हो सके तो 100 बार पढ़ लो लेकिन पाबंदी करो, वाइन कल्ला अगर जो थोड़ा हो लेकिन धीम आ ले उस पर पाबंदी करो, कोई भी काम की पाबंदी करोगे तो काम हो जाएगा। और कभी कभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल में बहुत ज्यादा इबादत करते थे, समटाइम एक्स्ट्रा, कान यजतहिदु फिल अश्रिल अवाखिरी मा ला यजतहिदु फी गैरिही, लास्ट 10 डेज ऑफ रमजान शद्द मेजरा हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू वर्शिप ओवरनाइट इन फ्रंट ऑफ अल्लाह ताला बिकॉज ऑफ रमजान। तो कभी कभी अगर ज्यादा इबादत कर ले तो फिर कोई आदमी सवाल न करे, हदीस में तो वही कल्ला थोड़ा ही चाहे हमेशा करो, अगर ज्यादा कर लिया तो साल में कभी कर लिया तो कोई हरज नहीं है, ये मसला भी याद रखो। हमारे बूढ़े लोग हैं वो ज्यादा नहीं कर सकते हैं, द एल्डरली पीपल हार्ड फॉर देम टू डू मेनी सो मच इबादत, मुश्किल है उनके लिए भी अगर कोशिश करना काम है, कोशिश। बीच में वो बात रह गई, वो सहाबिया औरत पूरी रात नमाज पढ़ती थी बुखारी शरीफ में, पूरी रात अल्लाह के नबी ने पूछा ये कौन है, कहा फुला और फुला मदीने में मशहूर है ये औरत, फरमाया क्या पूरी रात इबादत करती, फरमाया नहीं नहीं ऐसा ना करो, अपनी ताकत के मुताबिक अमल करो। क्या फरमाया, जितनी तेरे अंदर ताकत है इतना अमल करो, फराइज अपनी जगह पूरा कर लो, न सुन्नत अपनी जगह पूरा करो, बाकी जो नवाफिल है तेरी ताकत के मुताबिक लेकिन हमेशा कर, ताकत के मुताबिक लेकिन क्या है हमेशा कर, उस पर तुझे
तू अल्लाह का महबूब बन जाएगा, यू बिकम बिलवद ऑफ अल्लाह। यह हदीस बुखारी शरीफ में है, जब कोई आदमी फर्ज नमाज पढ़ता है, फर्ज नमाज पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसके अल्लाह के यहाँ मुकर्रब बन जाता है, अल्लाह के यहाँ इज बिकमिंग बिलोवड टू अल्लाह तबारक व ताला। और अगर कोई आदमी नवाफिल की पाबंदी करता है, थोड़ा ही हो लेकिन पाबंदी कंटिन्यूसली, तो अल्लाह उसका महबूब बन जाता है। ये मेरा बंदा है, कैसा महबूब, बुखारी में है, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ। अल्लाह क्या कहते हैं, आई बिकम हिज आई साइट, आई बिकम हिज हियरिंग, हदीस बुखारी, आई बिकम हिज हैंड, आई बिकम हिज लेग। अब ये आंखों से वो काम करेगा जो मेरी मर्जी होगी, अब जबान से वो बात बोलेगा जो मैं चाहूंगा, हाथ से वो काम करेगा जो मैं चाहूंगा, पैर से वो काम करूंगा, यानी अल्लाह उसकी गुनाहों से हिफाजत भी करेगा। यह हदीस बुखारी शरीफ में है। कब है, जब आदमी नफल की पाबंदी करते करते फराइज में बंदा अल्लाह का महबूब होता है, नवाफिल करते करते अल्लाह इसका महबूब बन जाता है और अल्लाह इसके करीब हो जाता है। और बुढ़ापे में जब न हो सके तो कोशिश करना हमारा काम है, जैसे कोशिश करना, इसलिए हम बहुत सी मर्तब बहुत इबादत करते तो अल्लाह क्या कहते, अल्लाह के नबी क्या फरमाते, इन अल्लाह ला यमिल्लु हत्ता तमिल्लु, अल्लाह सवाब देते देते थकने वाला नहीं है, लेकिन तुम करते करते थक जाओगे, वो थकने वाली जात नहीं है। वो एक आदमी आया हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास, हजरत बहुत जिक्र किया है, अब मेरा दिल ये चाहता है मैं फिक्र करता हूं, क्या सवाल भी अजीब करते थे, बड़े जिक्र किए हैं, मेरा दिल चाहता है कि मैं क्या करूं, अब वरीज फिक्र, उम्मत की फिक्र करूं। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का जवाब भी अजीब अजीब होते थे, फरमाया सुनो, तुझे फिक्र का शौक पैदा हुआ यह जिक्र की बरकत से है, अगर तू जिक्र ना करता तो तेरे दिल में फिक्र भी ना पैदा होती। और अल्लाह ने कुरान में पहले जिक्र को बयान किया, बाद में फिक्र को बयान किया, इन नफी खल्कि समावाती वल अर्दी वख्तिलाफिल लैल वन नहार लआयातिल लिउलिल अल्बाब अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह क़ियामन वक़ऊदन वअला जुनूबिहिम वयतफक्करून। फिक्र बाद में है, जिक्र पहले है। मालूम होता है जिक्र की पाबंदी कर तो गुनाहों से बचता रहेगा, अल्लाह तेरी हिफाजत करता रहेगा। तो जितनी हो सके, जितना हो सके इतना बुढ़े लोगों को भी कोशिश करनी है, आगे कह देना है तहज्जुद में अगर उठ गए माशाल्लाह, चास पढ़ ली माशाल्लाह, इशराक पढ़ ली माशाल्लाह, एक पारा पूरा कर लिया माशाल्लाह, फिर कह दो अल्लाह को हाजल जोहद वाले तुकलान, ए अल्लाह ये मेरी कोशिश है, भरोसा तुझ पर है, ये मेरी कोशिश है, भरोसा तुझ पर है। खुदाए पाक की कसम, अल्लाह तबारक व ताला को उनकी बीमारी की हालत की इबादत इतनी पसंद आती है कि उसको जवानी जितना सवाब मिलता है। नहीं देखा आपने वाकिया यूसुफ अलैहिस्सलाम का, कमजोर देखो सामने जुलेखा है, शी इज वेरी रिच, शी इज पावरफुल, शी इज अ क्वीन, उसका मकान है, हजरत यूसुफ तो गुलाम बने हुए हैं, कमजोर है, ताकत नहीं, वो तो क्वीन है, उसके पास पैसे हैं, खूबसूरती है, मकान है, शी गॉट द पुलिस, शी गॉट एवरीथिंग, सब कुछ है। लेकिन क्या कहा यूसुफ के साथ, जब इंटेंशन बुरा किया, वहां पर सात रूम के अंदर में कोई देखने वाला नहीं, और जुलेखा ने कोने में आइडल था उसके ऊपर अपनी चादर डाल दी, पूछा क्यों डाली है चादर, कहा मेरा गॉड न देखे हम क्या कर रहे हैं, हम जो बुरा काम करेंगे, फरमाया तुम्हारा गॉड तो देखता नहीं है, मेरा गॉड तो हर वक्त देखता है भाई, इन्नहु अहसना रब्बी, रब्बी की दो तफसीर है, एक रब का माना है तेरा हस्बैंड देख लेगा रब्बी, और रब्बी का दूसरा मतलब है मेरा अल्लाह, अहसन मसवाई, तेरा भी मुझ पर एहसान है कि तू खिलाती है पिलाती है अपने मकान में रखती है, लेकिन मेरे रब के एहसान तो मुझ पर और ज्यादा है, बहुत एहसान है, रात में दिन में एहसान ही एहसान है, आंख दी कान दिया मुंह दी जबान सब कुछ दिया, मैं इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, ये काम करके जालिम बनना नहीं चाहता हूं, इसलिए कि जालिम कभी कामयाब नहीं होता।
और भागे। देखो कमजोर आदमी है, कोशिश करना तुम्हारा काम है, कोशिश करना तुम्हारा काम है। अगरचे कमजोरी है, अगरचे बीमारी है, अगरचे नहीं व्हीलचेयर में है या कुछ भी हो, लेकिन जितनी हो सके कोशिश करे, अल्लाह की मदद आएगी। यूसुफ कमजोर है, जुलेखा मालदार और वीक और कमजोर ताकत वाली है, पुलिस भी है, सब कुछ है, लेकिन ये भागे तो 7 रूम के दरवाजे लॉक थे, सारे ऑटोमेटिक खुल गए और हजरत यूसुफ अलैहि सलाम बाहर आ गए, बच गए बुराई से, अल्लाह ने उनको बचा लिया। कोशिश करना तुम्हारा काम है। थामी रहमत बड़ी अच्छी मिसाल दी, फरमाया कमजोर आदमी जब कोशिश करता है तो अल्लाह उसको भी आगे बढ़ा देता है, अल्लाह उसकी भी मदद कर देता है। और मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह जी चाहता है कि ऐसा लगता है कि मैं मसनवी को ही पढ़ाऊं मस्जिद में, लेकिन बेचारे मेरे भाई इतने मशगूल रहते हैं, मेरी तफसीर में नहीं आते, वो कहां आएंगे रूम की मसनवी में, तफसीर जब मेरी होती उसमें भी नहीं आते हैं। काश कि अल्लाह ताला हमें कुरान का शौक नसीब फरमाए, कुरान समझने का, अल्लाह क्या कह रहा है, टाइम ही नहीं हमारे पास। मसनबी में फरमाते हैं मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह, एक मिसाल बयान करते हैं, एक आदमी उसने जिना किया, अपनी महबूबा का आशिक था, एक औरत का पागल था, पकड़ा गया उसको शादीशुदा नहीं था, 100 कोरे मारे गए, 100 कोरे मारने का हुक्म दिया वक्त के, या जो भी हो कोरे मारने का हुक्म दिया, कोरा पड़ता था 99 कोरे तक उसने आह तक नहीं की, कुछ नहीं, जैसे उसको कोई फिक्र ही नहीं है। जब 100वां कोरा उस पर गिरा तो उसने कहा आह, बहुत जोर से लगा, तो जल्लाद ने पूछा 99 में तो पता नहीं चला, 100वीं में तुझे पता चला? कहा 99 तक मेरी महबूबा मेरे सामने थी। कौन सामने थी? मेरी महबूबा जिससे मैं प्यार करता हूं मेरे सामने थी, वो हटी आखिरी कोरे में तो मुझे पता चला कि मुझे कोरे पर रहे हैं। मौलाना रूम फरमाते हैं मेरा अल्लाह तो हर वक्त हाजिर है, गुनाह करे तब भी वहां है, नमाज पढ़े तो भी है, घर में भी है, घर से बाहर भी है, हर जगह मौजूद है मेरा अल्लाह। इसलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो, याद रखो हमेशा, वो क्या दाइमुल फिक्र थे, मुतवाज़िनुल अहज़ान थे। अल्लाह के नबी क्यों? जहन्नम से डरते थे, जहन्नम से डरते थे, नबी तो मासूम होते हैं। कुरान में है लियगफिर लकल्लाहु मा तकद्दम मिन ज़म्बिका वमा तअख्खरा, अल्लाह के नबी आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ है। फिर क्यों करते थे पूरी पूरी रात ऐसे जैसा के पॉट के अंदर में पानी उबलता हो, खाना उबलता हो, कैसी आवाज आए, अल्लाह के नबी की रोने की आवाज ऐसी आती थी सीने से, व्हाई ही वाज क्राइंग अ लॉट। मुहद्दिसीन यहां पर अच्छा जवाब दे रहे हैं, फरमाया जहन्नम की वजह से नहीं, अजमत रब को सामने रखा था, आप जोर जोर से खिलखिलाकर नहीं हंसते थे, फरमाते थे कि ओ मेरे साहबाओ, तुम बैठकर जोर जोर से हंस रहे हो, अगर तुमको पता चल जाए उस चीज का जिसको मैं देख रहा हूं, व्हाट आई कैन सी यू कैनॉट सी, इफ यू कम टू नो अबाउट इट, तुम हंसना बंद कर दोगे। मालूम होता है उनके सामने अजमत रब था, और अजमत रब से बढ़कर हजरत थामी फरमाते कुदरत रब था कि मेरा अल्लाह है, अगरचे मैं नबी हूं अमाल करता हूं, लेकिन मेरा खुदा बेनियाज है, उसको किसी के अमल की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो बदर में क्या कहा, इन्नल्लाहु युंशिदुका वहदहु वादक, है मेरे अल्लाह तुमने वादा किया है कि तुम आओगे, मैं तुम्हारा वादा पूरा करूंगा, आज मैं 313 सहाबा लेकर आया हूं, और दुआ कर रहे हाथ ऐसे हाथ उठा रहे, ऐसे हाथ उठा रहे और ऊपर तक, और रोना रोना दाढ़ी तक आपके आंसू, और रो रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं बस हो गया, बस हो गया, इतना ना रो, चादर भी गिर गई। फरमाए मेरे अल्लाह 313 को लेकर आया हूं, अगर तू कामयाबी नहीं देगा तो इस धरती पर इस जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, अगर ये खत्म हो गए तो। ये कौन कह रहा है? अल्लाह के नबी को अल्लाह कह रहा है, जिनको वादा किया गया है मदद करने का, लेकिन अल्लाह के नबी जानते हैं कि अल्लाह समद है, बेनियाज है, इंडिपेंडेंट, और इसको किसी की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है अल्लाह की। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह के सामने झुके, अल्लाह की इबादत करें, हर वक्त फिक्र करें
कि एक दिन हम लोग मुराकबा किसका करते हैं, अमल का। अमल का मुराकबा ना करो, मैं इतना पढ़ रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। रहमत का मुराकबा करो कि अल्लाह मैं तहज्जुद पढ़ी ली, अगर तेरी रहमत ना होती तो मैं ना पढ़ सकता। डॉक्टर अब्दुल हई साहब लिखते हैं, अमल का मुराकबा ना करो ना सोचो, बल्कि अमल कर लो तो अल्लाह की रहमत का मुराकबा करो, अल्लाह तेरी रहमत से मैंने जुमा पढ़ ली। अल्लाह तेरी रहमत अगर ना होती तो मैं जुमा में ना आता, कितने नहीं जाते हैं। अल्लाह तेरी रहमत से मैंने असर पढ़ी, तेरी रहमत से मैंने कुरान पढ़ा, तेरी रहमत से मैंने जिक्र किया। अल्लाह की रहमत को अपने ऊपर मुतवज्जे करो, और ऐसा आदमी जब करेगा तो अल्लाह की रहमत और ज्यादा उसकी तरफ मुतवज्जे होगी। इसलिए मेरे भाइयों, जो आयत जो हदीस में शुरू में पढ़ी है, अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह, कौन सा अमल अल्लाह को ज्यादा महबूब है, फरमाया अदवमुहु व इन कल्ला, हमेशा अमल करो चाहे थोड़ा हो, थोड़ा हो लेकिन हमेशा करते रहो। ऐसा नहीं 10 दिन किया फिर खत्म, हमेशा करते रहो, इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि आप अल्लाह के महबूब बन जाएंगे, अल्लाह आपका महबूब बनेगा। अल्लाह मुझे और आपको, हम तमाम को जो बात कही गई उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।